हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बात कर लेते हैं ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स के बारे में। ये होते क्या हैं? हमारी स्किन पर जो पोर्स होते हैं उन पर ब्लैक या व्हाइट कलर के ब्लॉकेज बन जाते हैं, इन्हें हम ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स कहते हैं। इसका रीज़न क्या है? हमारी स्किन पर जो पोर्स होते हैं उनके अंदर से धूल मिट्टी गंदगी हमारी स्किन पर जमा हो जाती है, जिसकी वजह से ये ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स बनते हैं। ऑयली स्किन वालों को ये परेशानी ज़्यादा होती है, हम अपनी स्किन की केयर नहीं करते, इसकी वजह से भी ये ज़्यादा बन जाते हैं। फ्रेंड्स, इसे हटाना कैसे चाहिए? कभी भी इसे रगड़ कर या दबा कर नहीं निकालना चाहिए, इससे हमारी स्किन पर घाव बन सकता है। इसके लिए हमें ब्लैक हेड्स रिमूवर जो आता है, जो पार्लर वाले यूज़ करते हैं, उसका भी यूज़ नहीं करना चाहिए। हम ब्यूटिशियन नहीं हैं, हमें ये नहीं आता, ये ब्यूटिशियन का काम है, पर बार बार पार्लर में जाकर हम ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स नहीं निकलवा सकते। इसके लिए हमें एक नेचुरल तरीका पता होना चाहिए, जिससे हम घर में ही आराम से अपने ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूव कर लें। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा ही नेचुरल तरीका बताने जा रही हूँ, जिसकी हेल्प से आप अपने ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूव कर सकते हैं। आपके ये धीरे धीरे कम हो जाएंगे, जो आपको देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो चलिए फिर बिना लेट करे हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसे हम दो स्टेप में करेंगे। बेकिंग सोडा या कोलगेट वगैरह लगाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई अपनी स्किन पर। हमें हमेशा ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए अपनी स्किन पर जिनके कोई साइड इफेक्ट ना हो। मैं बिल्कुल नेचुरल चीज़ों का यूज़ करती हूँ, उसे कोई भी एज ग्रुप वाले कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं हमें करना क्या है। फर्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स, हम करेंगे स्टीमिंग। जहाँ भी हमारे ब्लैक हेड्स हो रहे हैं वहाँ हमें स्टीमिंग करनी है। इसके लिए मैंने बॉल में गर्म पानी लिया था और इस तरह से हमें स्टीमिंग करनी है। इससे क्या होगा, जो इसमें धूल मिट्टी जमा हो गई है वो बाहर निकल जाएगी, हमारे पोर्स ओपन हो जाएंगे, जिससे ब्लैक हेड्स निकालना आसान हो जाएगा। स्टीमिंग हमें 2 मिनट ही करनी है। अब हम करेंगे सेकंड स्टेप। इसके लिए मैंने ली थी 1/2 टेबल स्पून शुगर, जिसे मैंने दरदरा पीस लिया था। इसमें मिलाया है 1/2 टेबल स्पून हनी। अब हम मिलाएंगे फ्यू ड्रॉप्स लेमन जूस की। यदि आपको लेमन जूस सूट नहीं करता तो आप इसमें टमाटो जूस भी मिला सकते हैं। इस तरह अच्छे से मिला लीजिए। हमारा स्क्रबर रेडी हो गया। अब हमें इसे अपने जहाँ भी हमारे ब्लैक हेड्स हो रहे हैं उस एरिया पे लगाना है। देखिए इस तरह से, मैं नोज़ पर करके दिखा रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर मेरे नोज़ के आसपास ही ब्लैक हेड्स होते हैं। इस तरह से आपको अप्लाई करना है। स्क्रब करने से डेड स्किन सेल्स निकल जाएंगे, स्किन पोर्स क्लीन हो जाएंगे। स्क्रब करने के लिए मैंने लिया है ब्रश। ये मैंने बेबी ब्रश लिया है जो काफ़ी सॉफ्ट होता है। आप कोई अपना पुराना ब्रश भी ले सकते हैं जो सॉफ्ट हो। इस तरह से स्क्रब करना है आपको, जिससे आपके डेड स्किन सेल्स निकल जाएंगे, इसके साथ साथ ब्लैक हेड्स भी निकल जाएंगे। इस तरह से साफ कर लीजिए उसके बाद आप। फ्रेंड्स, दोनों स्टेप्स कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम करेंगे स्किन की टोनिंग। मैं यहाँ रोज़ वाटर का यूज़ कर रही हूँ, आप जो भी टोनर यूज़ करते हो वो कर सकते हैं। टोनर लगाने से हमारे स्किन पोर्स बंद हो जाएंगे जो ओपन हो गए हैं। स्किन की टोनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब हमें लगाना अपनी स्किन पर मॉइस्चराइज़र, जो भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो, या मैं कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। फ्रेंड्स, मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी हमने अपनी स्किन को एक्सफोलिएट किया है, हमारी स्किन हल्की सी रेड हो जाती है। इस तरह से मॉइस्चराइज़र लगाना है हमें। फ्रेंड्स, इसे आप वीक में एक बार या दो बार कर लेंगे तो आपके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से बना है, इसे कोई भी कर सकता है, मेल फीमेल, इसे किसी भी एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसे ट्राई जरूर कीजिए। ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ मैं आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।